राजनीति में हम नहीं, ये भूल है हमारी। राजनीति हमसे है, ये उसूल है गंवाई। राजनीति फूलों की बगिया, जैसे फूलों की क्यारी, जिसने जाना उसने माना, राजनीति कितनी है प्यारी। जो समझे इसे बाग का फूल, होता है वह बाग का माली। राजनीति में आए वही जो पी सकते हैं विष की प्याली। राजनीति समाज के हर वर्ग का है आईना, पर आज के माहौल में सब कहते इसे चाइना। अगर मानव को देवता पर सुमन शीश चढ़ाना है, तो जन जन में राजनीति के दर्प को बतलाना है। जनता की जमात की भली बात है राजनीति, मूर्ख मूढ़ के लिए अभिशाप है राजनीति। बुद्धिजीवियों के सोच का विमर्श है राजनीति, नीतियों नैतिकता का साथ है राजनीति, क्योंकि सृष्टि के अस्तित्व की बात है राजनीति। राजनीति, इस शब्द से देश का हर व्यक्ति वाकिफ है। राजनीति के विषय पर आज जो कुछ भी दिखाया या बताया जाता है, क्या वही सत्य है या इसके कुछ और भी पहलू हैं जिसे नजरअंदाज किया जाता है। इसे जानने का प्रयास जिसने किया, वह हमेशा सवालों में उलझता गया। एक सवाल का हल निकलता कि तब तक दूसरा सवाल उसके मन मस्तिष्क पर दबाव डालने लगता। क्या वास्तव में प्रश्नों का चक्रव्यूह है या फिर मृग मृष्टिका की तरह दिखने वाला भ्रम मात्र है। कुछ परिस्थितियों के कारण राजनीति की छवि नकारात्मक बनी हुई है। इस वजह से हम राजनीति के सकारात्मक पक्षों की देखी नहीं कर सकते। किसी मसले पर फैसले से पहले उसके दोनों पक्षों पर विश्लेषण किया जाता है, परंतु बात जब सियासत की है, हमारा फैसला एक तरफा क्यों? अगर राजनीति इतनी ही बुरी है, तो 125 करोड़ की आबादी वाला यह देश राजनीतिक परिदृश्यों में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन कैसे है? क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसके हर पहलू का अध्ययन कर देखे सुने कि आखिर राजनीति क्या है? यह बात हमें समझनी होगी कि अगर कुछ सही हो तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ गलत नहीं है, या कुछ इतना ही गलत क्यों ना हो उसका मतलब ये नहीं उसमें कुछ सही ना हो। नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास प्रोग्राम राजनीति कणकण में। दोस्तों, आज कार्यक्रम में एक ऐसे युवा प्रतिभाशाली छात्र नेता से मुखातिब कराएंगे जिनके भाषण जोश और उत्साह से लबरेज होते हैं, जो महाराष्ट्र के नागपुर से देश की राजधानी दिल्ली के जेएनयू में दाखिला लेते हैं और इस जेएनयू के कैंपस में अपने राजनीतिक आवाज़ में अपने सामाजिक आवाज़ को एक मजबूत हथियार बनाते हैं और उसकी आवाज़ को एक बेहतर तरीके से उठाते हैं। जो वर्तमान में इस साल जेएनयू में बप्सा यानी कि बिरसा अंबेडकर फुले एसोसिएशन की तरफ से बतौर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं, जिनका नाम है राहुल सोनीराम पिंपले। राहुल जी, स्वागत है आपका इस समय। थैंक यू राहुल जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अलग अलग छात्र संगठन दलित की, आदिवासी की, पिछड़े की बात करते हैं और उनकी बातों को उठाते हैं, पर आपको इस अलग संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सवाल सिर्फ सवाल उठाने का नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से जब अंबेडकर थे, जब वो राजनीति कर रहे थे या जब वो मूवमेंट चला रहे थे, उस समय कांग्रेस भी दलितों के सवाल उठाती थी, कांग्रेस भी अलग अलग सवाल उठाती थी। लेकिन सवाल केवल सवाल उठाने का नहीं, जैसे मैंने कहा, सवाल है किसी भी सवाल को आप किस विचारों के साथ उठाते हैं, और वो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कैंपस में जिस तरीके से ABVP जैसा एक जो संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसकी सोच में दलितों का सवाल उठाना यानी सवाल उठाना नहीं है, वो इस तरह का सवाल उठाना है कि वो किस तरीके से उस गुलामी को बनाए रखे। तो जैसे ये कहना कि जो आपका जिसको स्कैवेंजिंग कम्युनिटी कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, उसको कहना कि वो भगवान के औलाद है या भगवान के लोग है, ये कहना उनके ऑपरेशन को एक तरीके से लेजिटिमाइज करता है, उसको टिका के रखता है। तो लेकिन वो सवाल उठा रहे, लेकिन सवाल एक दूसरे दृष्टिकोण से उठा रहे, दूसरे आइडियोलॉजिकल से उठा रहे। और इसीलिए और जो वामपंथ है, मेरे ख्याल से इस कैंपस का नहीं, पूरे देश का जो वामपंथ है, उसने भी जो सवाल उठाए इस देश के आदिवासियों के, दलितों के और जो बाकी पिछड़े सेक्शन है उनके सवाल उठाए, सवाल उन्होंने अपनी विचारधारा से उठाए, जो सवाल
इन लोगों के जो मूलभूत जो रोज रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल उसे खत्म करने वाले विचारों के साथ नहीं उठाए, इसलिए हमारे लिए केवल सवाल उठाना बाकी संगठनों से पर्याप्त नहीं था। जो सोच के साथ हम सवाल उठाना चाहते थे वो सोच इस कैंपस में नहीं थी, और इसीलिए हमने सोचा कि जो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स हमारा है, अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है, पेरियार का जो डिस्कोर्स है, फुले का जो डिस्कोर्स है, सावित्रीबाई फुले का जो डिस्कोर्स है, फातिमा शेख का जो डिस्कोर्स है, उसको किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी स्पेस में दोबारा प्रोड्यूस किया जाए और किस तरीके से अपने सवालों को अपने मन से अपने विचारों से उठाया जाए, इसीलिए बप्सा का यहाँ पर निर्माण हुआ और हमने पिछले 2 साल से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया है। इसके पहले पिछले 1 साल लड़ा था और अभी इस बार। लेकिन अगर जेएनयू की बात करें तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई दलित या एससी एसटी माइनॉरिटी की बात कोई उठाता नहीं। फिर ये बात सोचने को मजबूर करती है कि आखिर आप उन पे, और ये कैंपस में भी कहते हैं कि लेफ्ट को भी उखाड़ देंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस संगठन है हम उसको भी उखाड़ देंगे, बिल्कुल ये दोनों को कैसे उखाड़ पाएंगे जो लेफ्ट का गढ़ मानी जाती है जेएनयू, आप उसे चुनौती दे रहे हैं। कोई किसी का गढ़ नहीं होता। अगर आपको याद हो यूपी एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पे माननीय कांशीराम जी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और कांग्रेस को वहाँ से उखाड़ फेंका। आज कांग्रेस लोग कांग्रेस को बोलना पड़ता है कि हम किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो कोई किसी का गढ़ नहीं होता। राजनीति में कोई गढ़ नहीं होता, राजनीति में गढ़ विचारों का होता है। अगर तादाद इस देश में मजलूमों की है, ऑपरेस की है, सताए हुए की है, और सताए हुए की विचारधारा है तुम और हमारी विचारधारा है, वो लोग जो सताए हुए हैं उनके जो आइडियोलॉग है उनकी विचारधारा है, मैक्सिमम हमारे संगठन में उस तबके से लोग आते हैं जो इस स्ट्रक्चर में इस सामाजिक ढांचे में सताए हुए लोग हैं जो आते हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई लेफ्ट संगठन हो, इनको उखाड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। और ये 2 साल में आप उसका नतीजा देख सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास कोई आकस्मिक कोई ताकत है, ये ताकत उन विचारों में है, उस दर्द में है। राहुल जी, लेकिन एक चीज जो चुनाव में सामने आई कि संगठन में आपके साथ 4 साथी खड़े हुए, आपको जितने वोट मिले बाकी साथियों को उतने वोट नहीं मिले, तो ये चीज भी सोचने को मजबूर करती है कि कहीं आपको देखकर तो वोट नहीं मिले, फिर अगर संगठन की बात कहें, विचारधारा की बात कहें, तो बाकी साथी उतने पीछे क्यों चले गए? देखिए, आपको एक बात उसमें नोटिस करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से जो खास करके जेएनयू में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है उसको एक बहुत महत्व दिया जाता है, जो कि मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि बहुत गलत है। प्रेसिडेंशियल डिबेट इज़ नथिंग बट दी परफॉर्मेंस, कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आप कितना अच्छा किसी को रेडिकुल कर पाते हैं। और मैं बहुत दिल से आपको ये बात बता रहा हूँ, भलाई मुझे उसका फ़ायदा हुआ हो, लेकिन किसको कैसे रेडिकुल किया जाए। और ये ताकत हमेशा से इस देश के जो ऑपरेसर कम्युनिटी से, जो जमींदार कम्युनिटी से है, जो अपर कास्ट कम्युनिटी से है, और खास करके मेल आदमी के पास ये ताकत रही हुई है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोग इंटरटेन होना भी चाहते हैं, ये भी मैं कहूँगा। और बाकी जो पोस्ट होती है इसके ऊपर लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात अगर आप देखेंगे कि पहली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारा जो 2 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, तकरीबन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हमको 297 समथिंग आसपास मिले थे, और जीएस के ऊपर, जनरल सेक्रेटरी के ऊपर हमको कुछ 300 समथिंग ऐसे कुछ वोट मिले थे, और उससे जंप करता है हम 800 के पास में। तो ये जो जंप है 800 का, आप समझ रहे कि उससे लेके दूसरे साल में ही लगभग 500 का अंतर है। हाँ, तो ये जो 500 का अंतर है मेरे ख्याल से 2 साल में बहुत बड़ा अंतर है। और मेरे ख्याल से इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि केवल मुझे ही एक तरह का वोट मिला हुआ है। हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट का अपना एक इम्पैक्ट रहा हो, उससे जो मैसेज गया लोगों के पास अलग गया हो, लेकिन आप अगर ये बढ़ोतरी देखें, ये 2 साल में जो वोट की जो बढ़ोतरी है पूरे पैनल को मिला हुआ है, केवल मुझे ही नहीं मिला हुआ, पूरे पैनल को इस तरह का बढ़ोतरी वाला वोट मिला हुआ है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में आपने कहा था कि इस बार कोई शेर शेरनी नहीं आएगी, इस बार गब्बर आएगा। गब्बर नहीं, मैंने कबाली कहा था। कबाली, हाँ। कबाली आएगा, कोई कोई गब्बर नहीं आएगा, इस बार कबाली आएगा। हाँ। तो आज ये वर्तमान में कैंपस में कबाली किस तरह के काम कर रहे हैं, जो कैंपस में छात्रों के हितों के मुद्दे हैं किस तरह से उठा रहे हैं? देखिए, जो हमने बात प्रेसिडेंशियल डिबेट में कही थी कि हम इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमको रिकग्नाइज करता है कि हम सिटीजन है, इंसान भी है, जो कि इस देश का समाज नहीं करता है, इस देश की इंस्टीट्यूशन भी नहीं करते। उसी तरीके से जेएनयू जो है, जेएनयू की शुरुआत से ही जेएनयू में, इस जेएनयू कैंपस में फैकल्टी के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संविधानिक जो अधिकार है इस देश के पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासी के, उसको वायलेट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर आदिवासी फैकल्टी नहीं है,
जिसको बहुत ही गलत तरीके से नहीं लिया जाता है, उनको बोला जाता है नॉट फाउंड सुटेबल। यहाँ पे अभी भी वो सिस्टम चल रहा है वाइवा उसे का, जहाँ पर SC ST OBC और मुस्लिम कैंडिडेट को 0 मार्क दिए जाते हैं, बल्कि वो रिटर्न में 70% से भी ज़्यादा स्कोर करते हैं, फिर भी उनको 0 मार्क दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो मसले हैं वो संविधान से जुड़े हुए और आपके फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए मुद्दे हैं इस कैंपस में, जिसके ऊपर जब से ये चुनाव हुआ है तब से हम लड़ रहे हैं। पिछले जो एकेडमिक काउंसिल हुआ उसमें यूनियन को हमने प्रेशराइज़ किया कि आप ये कीजिए, लेकिन यूनियन ने वो कर नहीं पाया। और यहाँ का जो JNUTA है, जो एसोसिएशन है टीचर एसोसिएशन, वो भी पूरी तरीके से इस मसले पर सहमत नहीं है। और अलग अलग जो भी संवैधानिक अधिकार के जो इश्यू है इन समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, खास करके आदिवासी दलित और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसके ऊपर एक कंसेंसस यहाँ के अमॉन्ग लेफ्ट में नहीं है। और हमको पता था, इसीलिए हमको पता था कि लड़ाई हमको तेज़ करने की ज़रूरत है, और इलेक्शन के बाद से लड़ाई बहुत तेज़ हुई है। जो JNU में आने के बाद और उससे पहले जब आप नागपुर में थे, वहाँ से आते आते यहाँ पर, आप किस तरह से राजनीति को समझे और वर्तमान में राजनीति को क्या समझते हैं कि राजनीति क्या है, किस तरह से समाज के लिए ये काम कर सकती है और इसमें काम किया जाता है, राजनीति को क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि राजनीति एक माध्यम है, एक टूल है जिससे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे बाबा साहब भी कहते हैं, मैं क्योंकि बाबा साहब को, अम्बेडकर को बार बार इसलिए मैं रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे आइडियोलॉजिकल गुरु, अगर मैं कुछ पढ़ के अगर चीज़ सिखाऊँ समाज के बारे में या फिर समाज को सोचने के बारे में, तो बाबा साहब से सिखाऊँ तो मैं कहूँगा, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति समाज का दर्पण होता है, तो और वो ये भी कहते हैं कि आपको राजनीतिक चेंज जो है आपका वो सामाजिक चेंज से आएगा। तो अगर आपका समाज चेंज होगा तो आपकी राजनीति भी चेंज होगी, बराबर है। अगर आपके समाज में जात है तो राजनीति में जात आएगी, आपके समाज में धर्म है इसीलिए राजनीति में धर्म आएगा, आपके समाज में जेंडर है इसीलिए राजनीति में भी जेंडर आएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो समझ है यहाँ तक, जो मेरा एक पूरा एक सफ़र रहा हुआ है, वो सफ़र मुझे बार बार यही कहता है कि समाज में जो मसले हैं वो राजनीति से सॉल्व तभी हो पाएंगे जब समाज अपने आप को प्रभावशाली बनाएगा कि वो राजनीति को यानी इम्पैक्ट करे, राजनीति को इन्फ्लुएंस करे। तो मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी भी लोकशाही यानी जो जिसको लोकतंत्र में, अगर समाज आपका मजबूत ना हो तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। इसलिए मेरा ये कहना है कि चाहे वो इस यूनिवर्सिटी कैंपस में हो या इस कैंपस के बाहर हो, आप जितना उन तबके को, जो गरीब तबके से आता है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जब तक वो तबका अपने आप को बहुत मजबूत नहीं बनाता है सामाजिक लेवल पर, तब तक वो राजनीति को सही तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, राजनीति में बैठे हुए लोगों को चेंज नहीं कर पाएगा और राजनीति को चेंज नहीं कर पाएगा। राजनीति जब बदलने की बात होती है तो राजनीति बदलने को पूरी कई तरह के काम किए गए, कई लोग जयप्रकाश नारायण जी को और लोहिया जी को देखे तो उन्होंने भी अलग अलग तरीके से राजनीति की परिभाषाएं बदलने का काम किया। पर जो वर्तमान में राजनीति पर आक्षेप लगता है कि राजनीति बुरी है, राजनीति गंदी है, युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, आपको क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए या युवा राजनीति में आए तभी कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो राजनीति बुरी है, गंदी है, ये बेसिकली एक मिडिल क्लास स्टेटमेंट्स है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी एक आसानी से, एक आराम से नौकरी लेना चाहता है, जो घर में बैठना चाहता है, और उसको बार बार कोई अन्नाधर चाहिए जो कि उसके एस्पिरेशन उसके थ्रू वो पूरा करना चाहता है। अन्नाधर के संडे को जाएगा, अन्नाधर के मैदान में नारेबाजी करेगा, आएगा, उसका वो एक अपना एक दायरा है और उसको समझ लगता है कि राजनीति बुरी चीज़ है। मैं समझता हूँ देश में केवल राजनीति नहीं, हर चीज़ बुरी है, आपका समाज बुरा है, आपके घर में आप रहते हैं, आप मेड को सही से पे नहीं करते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप आपकी जो दुकान है उस दुकान में आप अपने जो लोग रखे हुए उनको सैलरी नहीं देते, आप मंदिर में आज भी कुछ लोगों को घुसने नहीं देते हैं जो एक पर्टिकुलर जात से है, आज भी आपकी महिलाएं घूंघट लेकर रहती है, आज भी आपके महिलाएं घर में सेकंड नंबर पे है, उसको सेकंड नंबर का दर्जा दिया जाता है, आपका समाज बुरा है, बार बार यही कह रहा हूँ। तो राजनीति में ना जाना एक करियर ओरिएंटेड बात है, मिडिल क्लास के लिए कोई भी चीज़ करियर वाली होती है कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, तो उसको लगता है कि राजनीति भी एक करियर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए राजनीति केवल एक करियर नहीं है। राजनीति खास करके इस देश के दबे कुछ लोगों के लिए हमेशा से एक माध्यम रहा है उन बदलाव का। तो अगर आप देखते हैं तादाद उन लोगों की जो राजनीति में शामिल होते हैं, खास करके वोट देने में, वो ज़्यादातर इस देश का गरीब तबका रहा हुआ है, जिसको लगा है कि इससे कभी कुछ हमारा भला होगा, जो कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ है और बहुत लंबे समय तक नहीं भी हुआ है, लेकिन उसको लिए एक माध्यम है। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम को वाइब्रेंट बनाए, इस लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाए, इसमें सही तरीके से शामिल होके और क्रिटिकल होके
ताकि वो सही में ये जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ये हमारे जिसको हम फोर फादर बोलते हैं, या मैं कहूँगा फोर मदर्स भी है, केवल फोर फादर नहीं है, फोर मदर भी है इस देश में। तो उन्होंने जो ये सिस्टम बनाया हुआ है, खास करके डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस देश का जो संविधान लिखा हुआ है और जिस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया हुआ है, उनका ये सपना था कि इस देश में हर जो व्यक्ति है, जो समाज का व्यक्ति है, वो अपने आप को पॉलिटिकली देखे, वो अपने आप को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखे, ताकि ये सिस्टम मजबूत हो। और इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति आने वाले समय में और अभी भी युवाओं का जो एक अपना एक इसमें जो शामिल होना है, जो अभी हो हमको दिख भी रहा है बार बार, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है इस देश के लोकतंत्र के लिए। भविष्य में अगर मुख्य धारा की राजनीति में आनी हो, हाँ, तो क्या आप मुख्य धारा की राजनीति में आना पसंद करेंगे? मैं आपको यही कहा कि मेरे लिए मुख्य धारा और या फिर एक अल्टरनेटिव धारा कोई है ही नहीं मेरे लिए। मैं क्योंकि एक अम्बेडकराइट हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज में काम करना है, और समाज में जो काम करना है वो कभी गैर राजनीतिक नहीं होता और गैर सामाजिक भी नहीं होता। जो जो राजनीतिक काम है वो सामाजिक भी है, और जो सामाजिक काम है वो राजनीतिक भी है। तो आपका एक 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 सामाजिक काम करना भी एक राजनीतिक है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में शामिल होना नहीं होना है, वो अभी मैंने कभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि युवा हूँ और सोचता हूँ कि और जिस समाज से आता हूँ, समाज में बहुत सारी ऐसी समस्या है जो आज भी दूर नहीं हुई है। तो मेरे दिल में बार बार एक ही बात आती है कि मैं उस समाज, जो मेरा समाज है, अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्दी वापस जाऊँ और अपने समाज में जो चीज़ें है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लड़ूँ, अपने समाज के लोगों के हाथ लड़ूँ। और केवल एक राहुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि हजार राहुल पैदा हो, हजार राहुल जो समाज को बदलने का काम करे। क्योंकि बिकॉज मैं पर्सनली एक हीरो वर्षी में बिलीव नहीं करता हूँ, एक व्यक्तिगत वर्षी में बिलीव नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में देर शुड बी यू नो नंबर ऑफ लीडर, ज़्यादा लीडर्स होने की ज़रूरत है, और लीडर समाज के हर तबके से होने की ज़रूरत है। जो कैंपस में इस बार जो पैनल चुन के आई है, वो लेफ्ट की संगठन है, और वो अपने आप को संगठित करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। बातें चल रही थी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही, एक लेफ्ट में और एक एबीवीपी में, लड़ाई में दो है। पर जिस तरह से आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये कैंपस में ये विश्वास आया कि नहीं, कैंपस में कोई और भी उभार आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्तमान में जो पैनल चुन के आई है, उससे कितना संतुष्ट है उनके कामों से? छात्र संगठन के और छात्र हितों के मुद्दों को कितना वो उठा रहे हैं? एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया है, ना इसके पहले पिछले यूनियन में जो हमारे जो जो हमारे बालक है, कन्हैया जी जो है, उन्होंने भी को जो मसले उठाए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। इस यूनियन ने भी जो भी बातें कही है वो भी नहीं उठाई है। मैं तो समझता हूँ कि बाकी छोड़िए, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से इस कैंपस की उनके भी पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन जो जो रियल ज़िंदगी के मुद्दे हैं, जो एंट्रेंस के मुद्दे हैं, कि एक लड़का एक लड़की जब आती है या आता है और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, और उसको इतना अच्छा रिटर्न में स्कोर करने के बावजूद भी अगर जीरो मार्क्स मिलता है और उसको बाहर होना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो केवल एंट्री पॉइंट का मुद्दा है। जब इस तरह के मुद्दे, इनके ऊपर कोई बहस इस कैंपस में, हमने थोड़ी बहस छेड़ी एसी मीट अकेडमिक काउंसिल तक, वो चला, लेकिन उसके बाद में उसकी बहस नहीं रही। और ये हर साल इस कैंपस में होते आ रहा है, मेरे ख्याल से जब से ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है तब से ये हो रहा है, तब से ये डिस्क्रिमिनेशन का पैटर्न जैसे का वैसा, और यहाँ पर लेफ्ट रहा हुआ है और वो चल रहा है, कोई यानी कोई कॉन्क्रीट चीज़ उसके ऊपर अभी तक नहीं हुई है। तो सहमति या संतुष्ट होना, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है, जब कुछ हुआ ही नहीं है। हॉस्टल का मुद्दा जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, आपका डिप्रीवेशन पॉइंट का मुद्दा जैसे का वैसा पड़ा हुआ है, आपका जो मैंने कहा आपको एक्सक्लूजन का मुद्दा जैसे का वैसा पड़ा, सारे मुद्दे जैसे के वैसे हैं अभी भी। कैंपस में यूनाइटेड लेफ्ट की बात की गई थी, यूनाइटेड लेफ्ट की, बट जो कन्हैया जी की जो पार्टी थी इस बार वो चुनाव में आई नहीं, तो यूनाइटेड लेफ्ट कहाँ से कहा जाए, और यूनाइटेड लेफ्ट में वो क्यों चुनाव नहीं लड़े, ऐसा आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्यों नहीं आए? देखिए जी, जो 9 फरवरी की घटना है उसके वो कारण तो नहीं है? नहीं, देखिए उनका जो संगठन, जैसा कि मेरी जानकारी है, उसमें लोग ही नहीं, मीन्स उसमें अभी लोग लड़ने वाले भी नहीं हैं, और मेरे ख्याल से संगठन लेवल पे उनकी ताकत मेरे ख्याल से उतनी नहीं है अभी। और जहाँ तक कि मुझे दूसरी बात ये लगती है कि आपस में एक सहमति भी, क्योंकि हम कहते हैं कि इस देश का जो वामपंथ है, केवल वामपंथ नहीं, वो एक सवर्ना लोगों का चला हुआ एक मुहिम है जो अपने प्रिविलेज को किस तरह टिकाया जाए उसकी बात करता है। तो मुझे लगता है कि चाहे कन्हैया हो या उनकी जो पार्टी हो, और कोई एलिगेशन नहीं है, ये रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, उनको पता था कि एक ऐसा फोर्स है जो कि राजनीति को चेंज कर सकते इस कैंपस के, उसको रोका जाए, और उसके आधार पर इस कैंपस का, चाहे कन्हैया हो या उनकी पार्टी हो, आयसा हो, एसएफआई हो और बाकी अन्य लेफ्ट पार्टियाँ हो, वो सब साथ में आके, चाहे देखिए आप जब चुनाव लड़ते भी नहीं, वो भी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप अगर अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, बैक सपोर्ट के लिए, हाँ, आप अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे, इसका मतलब सपोर्ट कर रहे हैं।
और मेरे ख्याल से उन्होंने कैंपेनिंग भी की है, हालांकि उनकी भाषा अलग रहेगी कैंपेनिंग की, उन्होंने अपने लेवल पे कैंपेनिंग भी की है जो सो कॉल्ड यूनाइटेड लेफ्ट के लिए। तो हमेशा से रहेगा इस देश का वामपंथ का जो एक चरित्र रहा हुआ, एक इतिहास रहा हुआ है। मेरे ख्याल से कन्हैया जिस पार्टी से आते हैं, उनकी जो मदर पार्टी है CPI, उनके जो नेता थे डांगे, उन्होंने अम्बेडकर के बारे में कहा था कि अम्बेडकर को वोट मत देना, भले अपना वोट बर्बाद कर देना। यहाँ पे चाहे वो कन्हैया हो या उनकी बाकी वामपंथी पार्टियाँ हो, उन्होंने मेरे ख्याल से वो चीज़ रिप्रोड्यूस की है दोबारा। हालांकि वो कहा नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो कह दिया कि बप्सा को वोट मत। हाँ, वो इनडायरेक्टली कह दिया। अगर मैं कह रहा हूँ आपको वोट दो, मैं कहा ए को वोट दो, तो जरूर नहीं कि मुझे बी को वोट ना दो कहने की जरूरत है। इस तरह के इंडिकेशन, हाँ ये होते हैं, हाँ ये होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये 9 फरवरी की जो घटना हुई, वो कैंपस के लिए और आपके लिए कितना आहत करने वाली थी, या फिर उस घटना को सिर्फ बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था? देखिए, मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, ग्रुप का राइट होता है कि वो अपने अपने विचारों को सबके सामने रखे, अपने डिसेंट को, अपने डिसएग्रीमेंट को अपने सबके सामने रखे, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होना, यही हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा खूबी है, जो कि इस देश का लोकतंत्र मेरे ख्याल से अभी तक उस तरह से उभरा नहीं है। यहाँ इस देश के लोग, मुझे खास करके लगता है कि उस लोकतंत्र को अभी तक समझ नहीं पाए हुए हैं, और मुझे लगता है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके ऐसे संगठन जो ABVP हो या फिर BJP, इस तरह के जो संगठन हैं, मेरे ख्याल से इनको ये बात पता है कि इस देश के लोग हैं जो इस तरह के सेंटिमेंट के आधार पर जल्दी भड़क जाते हैं, जल्दी फैल गुस्सा हो जाते हैं, और उन्होंने उसका यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि 9 फरवरी का जो इवेंट था और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, और जिस तरह से ABVP और BJP ने जिस तरीके से पूरे देश में उसका हो हल्ला किया, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें लोकतंत्र के लिए इसलिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि कल जाके आपके समाज का कोई एक ऐसा वर्ग, ऐसा कोई ग्रुप जो आपके इतने साल की आज़ादी के बाद भी अगर आपसे खुश नहीं है और आपके खिलाफ बात करता है, इस देश के बहुत सारे पार्टियों के खिलाफ बात करता है, इस देश का जो प्रिविलेंट कल्चर है जिसको आप संस्कृति कहते हैं, अगर उसके खिलाफ बात करते हैं, तो आप उसको एंटीनेशनल कह सकते हैं। आप उसको एंटीनेशनल कह के उस लोकतंत्र का गला घोट देंगे। और इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी डिसेंट हो, उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जब तक कोई भी डिसेंट डिस्कशन जो है, जब तक किसी के ऊपर वायलेंस नहीं कर रहा है, जब तक गोली नहीं मार रहा है किसी को, कोई मार नहीं रहा है, अगर डिस्कशन कर रहा है, तो यू शुड गो इनटू द डिस्कशन एंड यू शुड एंगेज विद सच पीपल, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई समाज हो। और मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कहता हूँ कि 9 फरवरी का जो एक पूरा एक जो उसको हादसा बनाया गया, जो उसको बहुत बड़ा एक मसला बनाया गया, जिससे कुछ लोग लीडर बन के भी उभरे हैं और कुछ लोग हैं, दोनों तरफ से एक लीडर बन के लोग उभरे हैं, राइट विंग से और कुछ लोग उस साइड से भी, लेकिन मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो जिस तरह से BJP ने इसको बढ़ा के बताया, ABP ने इसको जो फैला है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस देश के दबे कुछ लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आगे जो यहाँ पे छात्र हैं और देश में जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से चीज़ों को बदलना है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है और समाज में क्या परिवर्तन लाना है, उनके लिए कौन से उपाय हैं? मेरे ख्याल से समाज में परिवर्तन तभी आ सकता है जब समाज का कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस समाज में हूँ और इस समाज के में मेरा क्या प्रिविलेज है। तो मुझे लगता है एक आदमी होने के नाते, एक लड़का होने के नाते, मैं अगर ये समझूँ कि एक लड़की के पास जो प्रिविलेज ने मेरे पास क्यों है, ये सवाल अगर मैं कभी खुद को पूछूं, तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होने लग जाएगा। एक अपर कास्ट अपने आप को अगर पूछता है कि सही में मेरे में से क्या बात है कि मैं एक अपर कास्ट हूँ और मेरे को ये चीज़ मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है, चाहे वो मान सम्मान हो या चाहे फिर कोई मटेरियल चीज़ हो। तो मेरे ख्याल से मैं एक, अगर आप मुझे पूछेंगे, तो मैं यही संदेश या लोगों को बताना चाहूँगा जो भी मुझे इस माध्यम से सुनेंगे, कि इस तरह के जो अनकम्फर्टेबल सवाल है, हमको अपने आप को पूछना पड़ेगा। जो इस देश के सत्ताओं में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो सवाल पूछना ही पूछना पड़ेगा, उनको पूछना जायज और पूछना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे भीतर लोग जो बैठे समाज के अंदर, जो हमारे घर में है, जो हमारे कॉलोनी में है, जो हमारे बस्तियों में, जो हमारे गाँव में है, जो हमारे पीयर ग्रुप में है, जो हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में, हर जगह आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि एक एक विशेष वर्ग का ये प्रिविलेज क्यों है, एक विशेष व्यक्ति का प्रिविलेज क्यों है, एक विशेष जेंडर का प्रिविलेज क्यों है। तो ये सब सवाल, अनकंफर्टेबल सवाल हमको पूछना पड़ेगा, तभी हम सही दिशा में इस देश के राजनीति को चेंज कर सकते हैं। राजनीति को चेंज करना केवल मोदी के कोर्ट के ऊपर हवाबाजी करना, दो कमेंट देना नहीं होता है, ठीक है ना। कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है और आपके जो समाज को चेंज करते लोग, उसमें फ़र्क होना चाहिए। समाज में काम करना ऐसा मतलब कॉमेडी नहीं है, यू नो इट्स अ सीरियस मैटर, बिकॉज पीपल डाई, लोगों को मारा जाता है, लोग मरते हैं, भुखमरी से मरते हैं, लोग जातिवाद से मरते हैं, लोग जेंडर के नाम पर मरते हैं, तो इसे सीरियस इशू।
इट्स नॉट इन जस्ट जोक। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो मसले हैं, ये मसले आपसे जुड़े हुए मसले हैं। जब तक आप अपने प्रिविलेज को चैलेंज नहीं करते, जब तक आप अपने आप को अंदर से, जब तक आप अपने आप को परीक्षण नहीं करते हैं, तब तक समाज में सही चेंज नहीं आ सकता है। कैंपस में आज 40 दिन हो गए, नजीब अभी भी गायब हैं और नजीब का मामला अजीब सा हो गया कि यहाँ पर अभी तक नजीब को ढूंढ कर लाया नहीं गया। नजीब की माँ यूपी से कैंपस तक आती हैं और हर जगह अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर जगह। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि कैंपस में किस तरह की राजनीति हो रही है उस पर लाने के लिए, या फिर नजीब को कैसे लाया जाए इस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, नजीब को लाया जाए इसके ऊपर विचार हो रहा है। हालांकि उसमें भी, उस विचारों में बहुत असहमति अलग अलग संगठनों की रही है, हमारी भी एक असहमति यानी रही है। लेकिन हमने क्योंकि वक्त का तकाजा देखते हुए, जो हालात है उसको देखते हुए, हमने पूरे मूवमेंट के साथ ही गए हैं। लेकिन हमारे बहुत चीज़ों पर असहमति रही और बाकी लोगों की भी रही है। सवाल ये है कि मुझे लगता है कि नजीब का जो इशू है वो, मेरे ख्याल से इस केस में अभी तक तो कोई क्लू, कॉन्क्रीट क्लू किसी को मिला नहीं है कि नजीब कहाँ पर है, कैसे हालात में है, कहाँ। पुलिस कहती है कि ऑटो ड्राइवर जो, पुलिस अलग अलग वर्जन पेश कर रही है। पुलिस के वर्जन मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन बताएगा पूरी तरीके से, पुलिस के वर्जन किस तरीके से झूठे या कभी सच्चे भी रहे हुए। अगर पुलिस मेरे ख्याल से सच्चे दिल से काम करती है और सही मेहनत से काम करती है, मेरे ख्याल से अभी तक नजीब को ढूंढ के लेके आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक वाकया और याद आता है, जब 9 फरवरी की घटना हुई तब ये कहा जाता था कि पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे। हाँ। आज पुलिस को अंदर आने को कहा जाता है, पुलिस आती नहीं, पुलिस आती नहीं है, क्योंकि तो ये कौन सी बात, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो बात चल रही है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो VC साहब बैठे हुए हैं वो उनके हिसाब से आगे सिस्टम चलता है, क्योंकि यहाँ के प्रमुख है वो। अगर यूनिवर्सिटी के देखा जाए, अगर हायरार्की में देखा जाए, 9 फरवरी में पुलिस को अलाउ करते हैं और अभी वो पुलिस को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग उसमें शामिल है, उसके नजीब को मारने में, पीटने में, धमकाने में, वो लोग वही लोग हैं जो VC साहब की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। और मैं कहूँगा कि इस कैंपस के जो VC है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो पुलिस को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इस अटैक में, नजीब के ऊपर जो अटैक हुआ, इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान, किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, पुलिस एक निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके ऊपर जो कानूनी जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई हो। और इसीलिए मेरे ख्याल से कोई भी जस्टिस तब तक पूरा नहीं होता जब तक जिन लोगों ने इनजस्टिस किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो, उनके ऊपर कोई, उनको एक जो संवैधानिक जो सजा हो, जिसको हम कह सकते हैं, वो ना मिले, मेरे ख्याल तब तक कोई जस्टिस भी नहीं है। नजीब को ढूंढ के लाना एक मसला है, दूसरे साथ साथ दूसरा एक मसला है कि जिन लोगों ने नजीब को मारा, जिन लोगों ने उसके ऊपर एक अटैक किया, उन लोगों को सजा होना, कानूनी कार्रवाई होना, ये बहुत बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। अदरवाइज होगा ये कि कल जाके किसी भी स्टूडेंट्स को, खास करके दबा कुचला माइनॉरिटी जो स्टूडेंट रहेगा, उसके ऊपर इस तरह के हमले बढ़ते जाएंगे और ये लोग जो एक धार्मिक पाखंड इन दिमाग में जो भरा हुआ है, खास करके RSS का जो पाखंड भरा हुआ है, इन लोग की ताकत हमेशा बढ़ती रहेगी। और मेरे ख्याल से अगर आपको ख़त्म करना है, इनकी जो इम्प्रिंट तोड़ना है, तो इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि VC साहब नहीं चाहते हैं और इसीलिए पुलिस को अंदर नहीं आने देते। ABUP ये आरोप लगा रही है और ये चीज़ें बार बार दिखा रही है हर जगह पे कि जब से नजीब गायब हुए, उससे पहले मोहित पांडे ने खुद वो लेटर लिख के दिए हैं कि नजीब को कैंपस से बाहर कर दिया जाए। उन पे उनका सिग्नेचर भी है, वो ABUP दिखाती है। हाँ। वार्डन का भी सिग्नेचर है उस पे। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि उस दिन माई मांडवी हॉस्टल में इलेक्शंस थे और आयशा का कैंडिडेट वहाँ से खड़ा हुआ था, और आयशा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आयशा और मुझे कांग्रेस, अगर आप में अंतर बहुत नहीं है, कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को हमेशा डरा के रखा हुआ है कि BJP आ जाएगा तो तुम मारे जाओगे, और कांग्रेस और BJP हारने के बाद भी मुस्लिम मारे गए, क्योंकि उनका कोई अपना कोई संगठन नहीं था, अपनी एक आवाज़ नहीं थी, अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अपना कोई मंच नहीं था। इस कैंपस में वही हुआ, इस कैंपस के मुसलमानों को हमेशा डराया गया हुआ है, और डर से कभी राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति असरशन से की जाती है, जो कि कोई और आपके लिए नहीं ला सकता, आपको लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ने वही किया जो कांग्रेस ने किया हुआ इस कैंपस में, कि उन्होंने इस कैंपस के मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है, और वही डर के आधार पर राजनीति हमेशा से करते आ रहे हुए, और उन्होंने अपना एक वोट बैंक इस कैंपस से बनाया हुआ है, जो कि हर कम्युनिटी में एक एजेंट क्रिएट किए जाते हैं, दलितों में एक एजेंट क्रिएट हो जाते हैं, मुसलमानों में एक एजेंट क्रिएट किए जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी में हमेशा जो सत्ताधारी पार्टी एजेंट क्रिएट करके अपना काम करती है, वही एजेंट वाला काम ऐसा ने यहाँ पर किया हुआ है, और उसी तरह का कोई एक एजेंट भी उनका उस दिन इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जो खास करके जो नजीब का रूममेट था, जिसने बोला है कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, और हमारे जो साथी है
प्रेसिडेंट जो है उनके लिए मुस्लिम जो इश्यू है वो एक इलेक्शन का इश्यू है। इलेक्शन के चलते हुए उन्होंने, उनको लगा कि बहुत बड़ा मसला ना बन जाए, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर अटैक हुआ है, इसको मारा गया है। जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करें, आप जो लीगल सिस्टम है विद इन द यूनिवर्सिटी उसका यूज़ करें, और जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी जो भी विक्टिम है जिसके ऊपर हमला होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको अपने साथ रखें, उसको एक सुरक्षा प्रोवाइड करें। एक JNU से प्रेसिडेंट होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करे, अपने साथ रखे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फेलियर की बात है, ये फेलियर की बात है। और फेलियर तब इसीलिए भी होता है क्योंकि आप जब किसी मसले को दबाना चाहते हैं केवल अपने इलेक्शन मोटो के लिए, तो वो मसला इस तरीके से उभर के आता है। और मेरे ख्याल से नजीब के गायब होने में ABVP का अटैक जो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उसी के साथ साथ जो लोग नजीब के दिमाग में, मुझे लगता है जो चलता होगा कि मुझे मेरे साइड से कोई खड़ा होगा जो कि नहीं हो पाया, यानी आपका यूनियन भी जाता है और उसको बोलता है कि आप गुनेगार है, आप एक्यूज है, मेंटली प्रेशर क्रिएट, तो वो दोनों तरीके से प्रेशर क्रिएट किया गया उसके ऊपर। और मैं समझ सकता हूँ कि उसकी क्या हालत होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रेशर दोनों तरफ से क्रिएट किया गया, एक मार रहा है और एक कह रहा है कि हॉस्टल से बाहर निकलो, जो कि यूनियन है आपका वाला, तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से जो प्रेशर उसके ऊपर बिल्डअप हुआ। ढूंढने के लिए प्रोटेस्ट वो भी करते हैं कि नजीब को ऐसा किया गया, वो तो उल्टे ABVP आप पे आरोप लगाते हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस के लिए बाबरी मस्जिद के बाद BJP को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन कांग्रेस का एक इन्वॉल्वमेंट उसमें था जो कि बहुत ही स्मूथ रहता है। बहुत ही उसी तरीके से मैं कहता हूँ कोई भी ऑपरेस कम्युनिटी के ऊपर राजनीति करना बहुत आसान है कि मैं इनके जस्टिस की लड़ रहा हूँ, लेकिन ये जो मसला है नजीब का, ये एक दूसरा एक संदेश भी लेके आया हुआ है सभी उन दबे कुचले पिछड़ों के लिए, और खासकर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि कब तक आप दूसरों के लिए वोट बैंक बन ही रहेंगे, कब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पर हमला करने वाला हमेशा मजबूत रहेगा। इसी तरह से काम होते रहेगा कि आप समझते कोई आपके लिए रिप्रेजेंटेशन करेगा, कोई आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। वो यूपी में हो रहा है, यूपी में आपने बहुत साल तक समाजवादी पार्टी को कहा कि वो आपकी रक्षा करेगा, आपके सामने राइट होते हैं, दादरी होता है, इस देश में हर जगह वो होता है। कैंपस में अगर सुरक्षा के मामले को लेकर देखें तो नजीब के कुछ ही दिनों के बाद देखा जाता है कि मेन गेट पर एक बैग में कारतूस बरामद। नहीं, वो न्यूज़ मुझे लगता है कितने बनाया गया था उसको, कितना वो सस्ता था, मैं उसके ऊपर तो डाउट करता हूँ। कि बार बार ये होता है कि उसको मेरे ख्याल से बहुत बार ये भी होता है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और ABVP हाथ में हाथ मिला के चलता है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कभी भी बहुत बार अपने आप से भी चीज़ें ये लोग क्रिएट करते हैं ताकि कैंपस का एक माहौल बिगड़ा जाए। देखे तो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में देखे तो एक छात्र वहाँ पे मौत हो जाती है, पर 2-3 दिन तक कोई सूचना नहीं होती किसी। वो बहुत दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है, आत्मीयता का भाव कम। बिल्कुल बहुत दुखद बात है। तो इस तरह से सुरक्षा के मामले को लेकर देखें कि वहीं कैंपस में कहीं वो नजीब का मामला आ जाता है, कहीं कारतूस बरामद हो जाता है, कहीं छात्र की मृत्यु हो चुकी होती है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये सुरक्षा के मामले को बार बार उठाया जाता है, लगता है आपको कि कहीं सुरक्षा के मामले में खामी हो गई है या उसको बेहतर तरीके से और प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहिए, लेकिन मजबूत इस तरीके से नहीं कि आप स्टूडेंट के स्पेस को ख़त्म कर दीजिए। खास करके आप जिस हमारे जो साथी है जो ब्रह्मपुत्रा में जिनका डेथ हुआ, बहुत ही दुखद बात है कि एक, और मेरे ख्याल से ये सब इसीलिए भी होता क्योंकि आप किसी, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट उसका क्या रीज़न है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग अलग समस्या है। बाकी भी यूनिवर्सिटी में जिस तरह के मसले भी सामने आ रहे हैं, स्कॉलरशिप के मसले हैं, एक स्टूडेंट है जिसकी स्कॉलरशिप ही नहीं है, वो कैसे जी पा रहा है कैसे नहीं जी पा रहा है किसी को पता नहीं है। एकेडमिक जो बर्डन है वो बर्डन इस तरीके का है कि आगे आपका जो जिसको आप रिसर्च लेवल पे जो आपका गाइड जिसको कहते हैं वो समझ नहीं जाता है, या कुछ आपके हालात क्या है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या मानसिक परिस्थिति है। और यूनिवर्सिटी स्पेस भी अपने आप में एक तरीके से एक इंडिविजुअलिस्टिक स्पेस बनते जा रहा है धीरे धीरे, और हमेशा से उतना मेरे ख्याल से था भी नहीं। जो यूनिवर्सिटी का इमेजिन हम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं कि होना चाहिए, मेरे ख्याल से उतना अच्छा अभी तक बन नहीं पाया। उसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। वो बनता तब है जब आप एक अपने इमीडिएट आइडेंटिटी से थोड़ा बाहर भी निकलते हैं। आप खास करके जब एक एलीट ग्रुप है, एलीट ग्रुप में रहता है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप में रहता है, एक 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 एथनिक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप में रहता है, तो ये काफ़ी सारे मसले हैं जो कि यूनिवर्सिटी में सॉल्व हो जाने चाहिए, जो कि इंडिविजुअल जो है एक व्यक्ति जो है वो एक 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 व्यक्ति बन के सभी के साथ एक रहने वाला होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है।
बहुत बार खास करके जो दबे कुचले समाज से स्टूडेंट्स आते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। एक तो इकोनॉमिकल बर्डन होता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, अलग अलग मसले होते हैं और उसके कारण वो बहुत अकेला पड़ जाता है और उस अकेलेपन में बहुत सारी ऐसी दुखद घटना हो जाती है। इस मसले के बारे में खास करके मुझे उतनी जानकारी नहीं है तो मैं आपको नहीं कह पाऊंगा कि किस कारण वो मसला हुआ, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इस तरह के मसले अगर होते हैं तो बहुत दुखद बात है और उसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। कैंपस में अगर देखें तो कोका कोला और ये सब कैंपा कोला ये जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं। हाँ। कैंपस में धड़ल्ले से छात्रों के बीच में नशे वाली चीज़ें जरूर पाई जाती हैं और हॉस्टल में भी ये देखा जाता है चीज़ें मिलती हैं। तो कब मिली, किसको मिली? कैंपस में देख ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल के जो मामले बताए जाते हैं कि क्या हुआ, छात्र के कमरे से शराब की बोतलें बरामद हुई। देखिए एक 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 कोई घटना से आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते। छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। नहीं छात्रों को अगर देखें, अभी देखिए अगर ये नहीं युवा युवाओं का वो युवाओं के बीच में समस्या हो सकती है लेकिन केवल छात्रों की समस्या आप ये नहीं कह सकते। तो यूनिवर्सिटी स्पेसेस उसके बनाए गए और बनती भी है कि जिसमें कोई प्रोड्यूस हो, कोई नॉलेज प्रोड्यूस हो जो कि हो रहा है। मैं उसके तरफ पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं करूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल है कि उसको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देख के उसको एक स्टोरी बनाया जाए मुझे लगता है गलत है। क्योंकि कोई एक घटना हुई है और उस घटना से आप चीज़ों को अगर जनरलाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत है। नहीं अगर युवा नशे की तरफ जाते हैं गलत है, रोकना ही चाहिए। कोई भी युवा हो, चाहे वो छात्र हो या ना हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी युवा जो नशे की तरफ बढ़ता है वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। ये गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी भी तरह का नशा सभी के लिए खराब है, नशे की कोई भी लत सभी के लिए खराब है। चलते चलते अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी ने, कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाए उससे भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, उससे कितना सहमत है और आप कैंपस में युवाओं को और छात्रों को उससे कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है इस पे विचार करें? ऑब्वियसली कैंपस में जो छात्र है, कोई भी चाहे छात्र हो ना हो, कर्मचारी भी छात्र कैंपस में रहते हैं, वो सभी को एक तरह की तकलीफ हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से वो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी जितनी बड़ी तकलीफ इस देश के गाँवों में, उन हिस्सों में जहाँ पर बैंक नहीं है, जहाँ पर ATM नहीं है, जहाँ पर सिस्टम इन प्लेस नहीं है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को हुई है। और ख़ास करके जो ढोंग है कि इससे करप्शन कम होगा, मेरे ख्याल से एक 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 दूसरा धोखा इस देश की सरकार और खास करके इस देश के प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपको लगता है कि जो लोग, आपने कोई ऐसे इंसान को देखा है कि जो लाइन में खड़ा हुआ है, जो कि इस देश का करोड़पति है, इस देश का अरबपति है, वो नहीं खड़ा है। वो इसीलिए खड़ा नहीं क्योंकि सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। सिस्टम इस तरह चलता है कि जो कॉरपोरेट, जो बड़े बड़े लोग, जो BJP जैसे पार्टी को, कांग्रेस जैसे पार्टी को फंड प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन के लिए, क्या आपको लगता है सरकार सही में उनके खिलाफ जा सकती है? क्या सरकार सही में वो जो करप्शन कर रही है उसको रोक आपको सकती लगता है? है कि नोट बंद का ये जो फरमान है सरकार का वो गलत है या सही है या फिर भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए? ये भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए बिल्कुल नहीं। इस देश का भ्रष्टाचार जो है, नोटबंदी का निर्णय गलत, बहुत ही गलत निर्णय है। अगर आप गलत कहते हैं तो बाबा साहब की कोर्ट आपको याद? हाँ मुझे पता है आप जो कह रहे हैं कि 10 साल में नोट चेंज करना चाहिए, लेकिन इतना समर्थन मैं वही कह रहा हूँ। 10 साल में उन्होंने बोला कि नोट अगर चेंज करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं आपको ये समझना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने बोला था, लेकिन ये जो जिस सरकार ने ये जिस तरीके से इसको अचानक से चेंज कर दिया है, ये चीजें गलत हुई, ये चीज गलत तरीके से। और मेरे ख्याल से ये जो तरीका है, ये तरीका, बाबा साहब ने ये नहीं कहूंगा कि आपका सिस्टम प्लेस में ना हो तब आप चेंज कीजिए। अलग अलग देशों में भी नोट चेंज हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वहाँ पे आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई है। और खास करके करेंसी के मामले में, क्योंकि मेरा फिलहाल उतना नॉलेज इसके बारे में नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आजकल जो काला धन जिसको आप कहते हो, केवल नोट के मामले में नहीं है, लोग उसको अलग अलग एसेट में भी उसका रूपांतर करते हैं, जो कि सरकार उसके बारे में बात नहीं कर रही है। सरकार उस काले धन के बारे में बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये मेरा तो पहला कदम है, अभी तो आगे चीजें और भी होंगी। देखिए क्या लगता है आपको? लगता है कि आपको नहीं लगता है कि इस देश का रिलायंस अडानी अंबानी जो हो या फिर जो विजय माल्या है, इन्होंने करप्शन नहीं किया? आपको लगता है ऐसा? लिस्ट में तो नाम है ही, नाम सब तो है। अगर 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 अंबानी अडानी का नाम स्विस बैंक की इसमें है या नहीं है? करप्शन की लिस्ट में नाम आता है जिनका अभी तक तो स्विस बैंक की लिस्ट जारी नहीं की। नहीं, जितना उन्होंने लास्ट टाइम अरुण जेटली जी ने बात की थी, कुछ लोगों का नाम लिया था, फिर बाकी लोगों ने भी उसके बारे में बात किया था। पहले बताए कि किन लोगों का नाम है? नाम है ठीक है। उस मामले में तो वो कहते हैं कि अभी टाइप चल रहा है, अभी कितना टाइप चलेगा, बात चल रही है। लास्ट टाइम बोला कि लिस्ट मिल गई, अभी बोल रहे टाइप चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में चाहे विजय माल्या, अडानी, अंबानी, क्या इन्होंने करप्शन नहीं किया है? अगर करप्शन नहीं किया है, इस अजम्पशन के साथ चल रहे हैं और आप उनको धड़ल्ले से इन्हों बैंक लोन और बाकी जो सपोर्ट जमीन दे रहे हैं, कल आपको पता चला है कि इन्होंने करप्शन किया है, तो आप कैसे वापस लेने वाले? उसके लिए भी सिस्टम बननी चाहिए कि उनकी चीजें
मैं बेसिकली ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो उन लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड कर रही है, उन लोगों के लिए सुविधाजनक वातावरण क्रिएट कर रही है जो उस पर्टिकुलर सुविधा का लाभ, यानी उस मार्केट का लाभ कर सके। मुझे बताइए कि इस देश का जो मैक्सिमम जो बड़ा तबका है, क्या वो ऑनलाइन बैंकिंग जानता है? क्या वो कैशलेस इकोनॉमी में सही में जी सकता है? आपकी ज़्यादातर जो लोग, जो जनता है, वो गाँव में रहती है जो कि एजुकेशन से परे है। यानी जनता की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया इसमें। ये सुविधा छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आप जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी आजकल प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो कैशलेस इकोनॉमी है, आप समझ पा रहे कि आपकी सबसे जनता जो गांव में रहती है, जो कि इलिटरेट है, सबसे ज्यादा शिक्षा नहीं है, आप उसी शिक्षा को एक तरह से प्राइवेटाइज कर रहे हैं ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू मेक देम लिटरेट एंड कैशलेस इकोनॉमी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। किस तरह से करेंगे आप? तो ये कैशलेस इकोनॉमी है उन लोगों के लिए जो पेटीएम चला सकते हैं, पेटीएम का जो एंड्रॉइड फोन चला सकता है। मुझे पता है गांव का गरीब एंड्रॉइड फोन चलाता है। एंड्रॉइड रखने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, जो अपने अनकंफर्टेबल होने पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले वो भी एक और संदेश देते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम हर जगह पे कि डिजिटलाइजेशन में ये चीज़ें आएंगी, तो वो कैशलेस की हमारी बात चीज़ें और धीरे धीरे होंगी। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, आपके देश में मैं बार बार ही कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका गाँव में रहता है और इस देश के जो गाँव है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिसमें रोड्स नहीं हैं, जिसमें अभी भी बिजली नहीं है, इसमें अभी भी बेसिक सुविधाएं नहीं है, लोग स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल आपने महंगा कर दिया है, प्राइवेट स्कूल उसके बगल में खड़ा कर दिया है आपने, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है सही में, प्राइवेट स्कूल में अमीर का बच्चा चला जाता है या फिर शहर में चला जाता है, गरीब का बच्चा नहीं जा पा रहा है, इस तरह का आपका सिस्टम है। आप इस सिस्टम में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? हाँ, अगर आप ये अगर कह दें आप कि मैं जो कर रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं मान सकता हूँ। ये सभी के लिए नहीं, ये जो सबका साथ सबका विकास, ये झूठा नारा है। ये बातें किसी पर्टिकुलर वर्क को सेटिस्फाई करने के लिए है। क्योंकि देखिए, अगर आप व्हेन यू डोंट हैव लिक्विडिटी इन द मार्केट, व्हाट यू ट्राई टू डू शॉपिंग थ्रू यू नो ऑनलाइन यू नो साइट्स एंड ऑल दैट, बट कौन इसको एक्सेस कर पाता है और कौन इसको चलाता है, कौन इसको ओन करता है? हु ओन्स पेटीएम? क्या कोई गाँव का गरीब इंसान ओन करता है? हमने आपसे अंतिम सवाल पूछा था, लेकिन एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जो अंतिम सवाल ये कि कैंपस की बारे में, कैंपस के बारे में, आप जेएनयू में जो समय बिताया आपने, कैंपस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो यादें यहाँ से अगर जब जाएंगे बाहर तो वो साथ लेकर जाना चाहेंगे? यादें तो हर जगह की अपनी अपनी होती है। जब मैं बचपन में था, जहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ा उसकी अपनी एक याद होती है, जहाँ उसके बाद मैंने काम किया उसकी एक याद है, जब एमए किया जिस जगह से पढ़ा की वो सबसे खूबसूरत जिसे आप पूरे जीवन याद रखेंगे। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशन जहाँ पे होता है, वहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगती है कि आप वहाँ पे अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यू नो, नॉट नेसेसरी कि मैं आपके साथ अग्री नहीं करता हूँ तो मैं बात ना रखूँ, आई कैन पुट माई पॉइंट। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कि मैं, क्योंकि सोशल साइंस से आता हूँ तो एक स्पेस मिलता है, तो मेरे ख्याल से यही मेरे लिए हमेशा से एक याद रहेगी कि हाँ, कि मैं यहाँ पे अपना एक डिसेंट रख सकता हूँ, अपनी बात सही दूसरे तरीके से जो मुझे लगता है रखना कि मेरा राइट है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे कैंपस सबसे खूबी, बड़ी खूबी है जो कि हर कैंपस में होनी चाहिए, फॉर्चुनेटली मुझे मिली है, या मिली भी कहने से बेहतर कहूँगा कि मैंने, हमने हासिल भी की है। तो यही सबसे बड़ी बात है कैंपस की। राहुल जी, आपने अपने जीवन के व्यस्त समय में से हमें समय निकाल कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।